हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एटीएम। तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ एटीएम के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एटीएम डोंट हैव लोगो ऑफ एनी स्पॉन्सर बैंक ऑन इट। ऐसा कौन सा एटीएम है जिस पे कोई भी लोगो नहीं होता है, किसका? स्पॉन्सर बैंक का। स्पॉन्सर बैंक वो होती है जो किसी भी एटीएम में कैश डालती है, तो उसका लोगो किस पे नहीं होता? वाइट लेबल एटीएम पे। और वाइट लेबल एटीएम से जुड़ी एक और जानकारी ये है कि इसको कौन ओन और ऑपरेट करता है? इसको ऑपरेट करती है नॉन बैंकिंग एंटिटीज़। तो इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ ऑपरेट करती हैं और इस पे कोई लोगो नहीं होता है। सबसे पहला इंडिया में जो एटीएम आया था वाइट लेबल एटीएम, वो कौन सा था? इंडी कैश। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सा था? इंडी कैश। नेक्स्ट, When banks outsource the operation of ATM to third party, such type of ATMs are called. ऐसे ATM जिनको बैंक थर्ड पार्टी को दे देती है, आउटसोर्स कर देती है उसका ऑपरेशन, उसको बोलते हैं ब्राउन लेबल ATM। हम इससे समझ लेते हैं, जैसे कोई भी बैंक अगर हार्डवेयर और लीज किसी सर्विस प्रोवाइडर को दे रही है और कैश मैनेजमेंट वो खुद कर रही है, स्पॉन्सर बैंक मतलब कैश का मैनेजमेंट, कैश डालना वो स्पॉन्सर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर हार्डवेयर और लीज किसका हो? सर्विस प्रोवाइडर का। तो ऐसे एटीएम्स को बोलते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। इन एटीएम्स पे क्या होता है? लोगो होता है। किसका लोगो होता है? स्पॉन्सर बैंक का। ठीक है, तो वाइट लेबल एटीएम में कोई लोगो नहीं होता, पर ब्राउन लेबल एटीएम में लोगो होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो ही होते हैं, वाइट एंड ब्राउन, तो इनके बारे में थोड़ी इन्फो होना अपन को ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ ए टी एम यूज फॉर शेयर ट्रांजेक्शन। शेयर ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा टाइप ऑफ ए टी एम यूज़ होता है? तो इसका आंसर है ऑरेंज लेबल ए टी एम। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि शेयर ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा ए टी एम यूज़ होता है, तो आंसर विल बी ऑरेंज लेबल ए टी एम। ऐसे ही मैं आपको जितने भी आगे क्वेश्चन बताऊँगी उसमें से लिमिटेड ही पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ ए टी एम यूज फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए कौन सा ए टी एम यूज़ होता है? तो आंसर इज़ येल्लो लेबल ए टी एम। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ ए टी एम यूज फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन। एग्रीकल्चर मीन्स ग्रीनरी, तो इससे याद रखिएगा कौन सा ए टी एम यूज़ होता है इसके लिए? ग्रीन लेबल ए टी एम। तो एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है ग्रीन लेबल ए टी एम। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ ए टी एम यूज़ फॉर वुमेन बैंकिंग। वुमेन्स को जनरली कौन सा कलर पसंद होता है? पिंक। तो इससे आप याद रखिएगा कौन सा एटीएम यूज़ होता है? पिंक लेबल एटीएम। वुमेन बैंकिंग के लिए पिंक लेबल एटीएम। नेक्स्ट, एटीएम्स डेटा विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द बैंक। जो बैंक की प्रीमाइसेस के अंदर ही होते हैं ऐसे एटीएम को क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड ऑन साइट एटीएम। ठीक है, नेक्स्ट, एटीएम्स डेट आर आउटसाइड द बैंक प्रीमाइसेस। बैंक प्रीमाइसेस के बाहर कौन से एटीएम होते हैं? उनको बोलते हैं ऑफ साइट। ऑन साइट वो होते हैं जो बैंक प्रीमाइसेस के अंदर होते हैं, आउटसाइड जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑफ साइट एटीएम। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ एटीएम दैट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर विजुअली चैलेंज पीपल। ऐसे लोग जो विजुअली चैलेंज होते हैं, जिनको दिखाई ढंग से नहीं देता है, तो उनके लिए कौन से एटीएम यूज़ होते हैं? टॉकिंग एटीएम। ये क्या करते हैं? उनको ऑडिबल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑडिबल इंस्ट्रक्शन, ताकि वो उनको इंस्ट्रक्शंस को सुन के फॉलो करके उनको यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ एटीएम इज ऑपरेटेड आउट ऑफ अ व्हीकल, यूजली अ बस और अ वैन। तो देखिए, ऐसे शहर या ऐसे गांव जहां पे एटीएम की फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, वहाँ बसेज और वैन्स को लगाया जाता है, उसी के अंदर एटीएम रख दिया जाता है और उसको इधर उधर मूव करते हैं, तो एक तरह से चलता फिरता एटीएम। दिस इज़ कॉल्ड मोबाइल एटीएम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।